हाई एवरी वन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिस्टेंस बीएड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। चूँकि आप सबका लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, कंटिन्यूसली आप लोग ये चीज़ पूछ रहे हैं, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या मेरे पास बैचलर डिग्री नहीं है और मैंने डीएलएड या फिर जेबीटी कर रखा है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई मेरे पास बैचलर डिग्री तो है लेकिन जेबीटी नहीं है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैं भाई सर्विस ट्रेंड टीचर नहीं हूँ, मतलब कि मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ या कर रहे हो तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने के लिए आपको फुल एलिजिबिलिटी की हम लोग यहाँ बात करेंगे। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। यहाँ सारी चीज़ें जो बताई जाएगी ना, तीन चार चीज़ें हैं जो एलिजिबिलिटी में हैं, वो सारी चीज़ें होना ज़रूरी है आपको। ऐसा नहीं कि मतलब और में, वो सारी चीज़ें होना ज़रूरी है तब आप एलिजिबल होंगे। देखिए, अगर आप बीएड करना चाहते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से डिस्टेंस बीएड, तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो इसमें है ना, वो क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए किसमें, बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री में। और ये किस डिसिप्लिन में होना चाहिए, चाहे तो साइंस डिसिप्लिन में आपका, सोशल साइंस में है, कॉमर्स में है या फिर ह्यूमैनिटीज़ में है। तो इसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, लाइक आपके पास एससी कैटेगरी है, आपके पास एसटी कैटेगरी है, या फिर आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी है, या फिर आपके पास पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी है, तो यहाँ पे आपको 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि 45% मार्क्स में आपका हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके मास्टर्स में या फिर बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स चाहिए, और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं लाइक एससी एसटी से हैं, आप ओबीसी से हैं, आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, तो आपका 45% मार्क्स में भी काम चल जाएगा, ठीक है। पहली एलिजिबिलिटी ये है। अब मैं दूसरी एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ, ये और में नहीं है, ये सारी एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, फर्स्ट मैंने बता दिया। सेकेंड एलिजिबिलिटी आपका है, यहाँ पर लिखा हुआ ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब है, इसका मतलब सीधा सा बस ये है कि आप ना कहीं पे पढ़ा रहे हो, किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल, जो रजिस्टर्ड स्कूल है ना, रजिस्टर्ड स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, इसमें कोई एक्सपीरियंस आपका नहीं है। सपोज़ करिए ना, आपका एडमिशन है 28th of October को, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 28th of October को आपका एडमिशन है, तो आप 27th का भी दिखाएंगे ना कि हाँ भाई आज से एक दिन पहले मैंने स्कूल ज्वाइन किया है तो आप एलिजिबल हैं। बस आपको दिखाना है, सर्टिफिकेट दिखाना है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर रजिस्टर्ड स्कूल है, इसको मैंने ज्वाइन कर रखा है। वो गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी हो सकता है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, मैंने इस स्कूल को ज्वाइन कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो डिस्टेंस बीएड के लिए। पहली एलिजिबिलिटी मैंने बताया, आपके पास बैचलर या मास्टर्स डिग्री है, 50% मार्क्स है आपके पास। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप रिजर्वेशन कोई भी है आपके पास तो 45% मार्क्स चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी, आपको ट्रेंड इन सर्विस टीचर होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्राइमरी जो जनरल स्कूल्स होते हैं या फिर 8 तक के स्कूल हम लोग कह सकते हैं, मिडिल स्कूल जो होते हैं, इसमें आप अगर टीचर हो तो आप एलिजिबल हो, लेकिन इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अगर आपने एक दिन या फिर सेम डे तो आप मत करना, चलो एडमिशन से एक दिन पहले का भी अगर सर्टिफिकेट ले लेते हो तो आपको कोई इशू नहीं होगा। और इसका मैं जुगाड़ बता देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपको स्कूल ज्वाइन करो, अगर नहीं हो रहा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आप प्राइवेट स्कूल में जाके पूछेंगे ना, अगर आपका थोड़ा भी जान पहचान का होगा, आप आसपास का होगा, तो ये सर्टिफिकेट वो लोग ईजिली आपको दे देते हैं, आपको ईजिली दिखा देंगे कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं या टीचर हैं, ठीक है। या फिर आप कोई स्कूल ज्वाइन भी कर सकते हो फिलहाल के लिए, बाद में आगे चल के देखना, आपको ठीक लगे, आप कंफर्टेबल हो तो कंटिन्यू करना है तो अच्छी बात होगी, ठीक है। थर्ड जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड 2 years टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लाइक डीएलएड बी जेबीटी ईटी। आप कोई भी चीज़ कर रखे हो ना, अगर आप बीएलएड कर रखे हो, डीएड कर रखे हो, बीटीसी कर रखे हो, ईटी, मतलब कि 2 years जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं ना, जो 2 years डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं, जो टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो फेस टू फेस मोड में होना चाहिए, यानी कि ऑफलाइन होना चाहिए। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर कोरोना की वजह से हमारा बैच ना ऑनलाइन था, तो उससे भाई कोई इशू नहीं है, आपको जो डिग्री मिला ना, जो सर्टिफिकेट मिला है, वो आपको ऑनलाइन का नहीं मिला, वो आपको ऑफलाइन ही मिला, कहीं भी लिखा हुआ नहीं हुआ कि आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिला है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास 2 years डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा का नाम कुछ भी हो सकता है, डीएलएड नाम हो सकता है, बीएलएड हो सकता है नाम, बीटीसी हो सकता है, जेबीटी हो सकता है, ईटी हो सकता है, कुछ भी नाम हो, 2 years का डिप्लोमा होना चाहिए। एंड टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जो कि बिल्कुल फुल टाइम कोर्स हो, रेगुलर हो, फेस टू फेस का मतलब यहाँ पे रेगुलर बेस पे हो, तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद आपका जो फोर्थ एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, ये बेसिकली एलिजिबिलिटी नहीं है, ये एक क्राइटेरिया है, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाई सीडीओई जामिया न्यू दिल्ली।
आपको कह रहे हैं कि सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं ना उनको एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर होना जरूरी है, जो कि सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया कंडक्ट करती है, अर्जुन सिंह कंडक्ट करती है, उसमें एंट्रेंस के लिए अपेयर होना जरूरी है। और एंट्रेंस टेस्ट जो है ना ये आपका सिर्फ दिल्ली में होगा, ये सारी बातें आपको जानना है। देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मास्टर्स या बैचलर डिग्री है अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 50% मार्क्स, अगर कोई आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी है तो 45% मार्क्स चाहिए। सेकंड आपका है कि आप टीचर हो किसी स्कूल में, एलिमेंट्री एजुकेशन में आप टीचर हो, वो भले ही आप एक दिन पहले ज्वाइन किए हो एडमिशन की या फिर आप शो करना चाहते हो, लेकिन आपको ये चीज़ शो करना पड़ेगा कि हाँ कहीं आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, आप पढ़ा रहे हो, सर्विस में हो। थर्ड आपका है कि आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये चीज़ लोगों के पास नहीं होता है जनरली, वरना आप स्कूल का जुगाड़ कर लोगे। बैचलर डिग्री भी कई लोगों के पास नहीं है तो भी नहीं होगा, तो ये डिप्लोमा होना चाहिए आपको, टीचर्स एजुकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, वो जिस नाम से हो, DLED हो सकता है, BED हो सकता है, BTC, यानी कि ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट करूँ, आप लोग बार बार फिर कमेंट सेक्शन में पूछोगे मेरे पास DLED नहीं है, मेरे पास BED नहीं है, मैं टीचर्स ट्रेनिंग मैं मतलब कहीं पढ़ा नहीं रहा हूँ या पढ़ा नहीं रही हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए मैंने बता दिया, इसके लिए आप कहीं बात करके जुगाड़ भी कर सकते हो, बाकी ये दोनों चीज़ आपको तो जेन्युइन चाहिए, बैचलर डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए और जो आपका डिप्लोमा चाहिए वो चाहिए चाहिए। बाकी तीसरी बात मैंने बताया, दिल्ली में सिर्फ टेस्ट सेंटर होगा और आपको टेस्ट में अपेयर होना ज़रूरी है। बस इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा क्या सिलेबस है, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या मतलब क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।